तो गाइस कैसा लगा सिनेमैटिक? भाई का स्टूडियो छोटा जरूर है पर बहुत प्यारा बना है भाई, बहुत जबरदस्त चीज बना रखी है आपने। थैंक यू। और सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताओ बसराज भाई कि कब से आप टैटू मेकिंग का काम कर रहे हो? टैटू मेकिंग कर रहा हूँ भाई मैं करीब करीब 4-5 साल से कर रहा हूँ। 4-5 साल से? तो भाई को 4-5 साल का एक्सपीरियंस है भाई, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कई बार होता ना अनप्रोफेशनल बंदे हैं जो प्रोफेशनली मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ, वैसे तो मुझे 6-7 साल हो गए करते हुए। ओके ओके। तो इस प्रोफेशन में कैसे आए, मतलब इसको बिजनेस कैसे होना है आपने? पहली बात तो भाई मैं इसे बिजनेस नहीं कहूंगा। ओके। क्योंकि ये मेरा पैशन हुआ करता था। ठीक है। इसे मैंने प्रोफेशन बना लिया। ओके। पहले ना मुझे ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक था। ठीक है। तो ड्राइंग करता रहता था मैं, तो मुझे डांट पड़ा करती थी कॉलेज से। अच्छा। स्कूल से। ओके। तो फिर मैंने ना हाथ पे करना शुरू कर दिया, स्कूलिंग टाइम में मैंने हाथ पे करना शुरू कर दिया। तो हाथ पे किससे बनाते थे? मैं उस टाइम पेन से बनाया करता था। पेन से वैसे शौक, क्योंकि उस टाइम प्रोफेशनली कुछ नहीं हुआ करता था कि स्किन मार्कर हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर उसे धीरे धीरे मैंने उस पैशन को प्रोफेशन में चेंज कर दिया। ओके, बहुत अच्छी बात है। और बसराज भाई एक चीज़ और थी कि कई चीज़ें दिमाग में चलती हैं टैटू को लेके, कि सबसे पहले तो कि मतलब कि टैटू लोग क्यों बनवाते हैं? टैटू लोग इसीलिए बनवाते हैं क्योंकि ना टैटू हमारे हमें एक्सप्लेन करता है। ओके। कि भी मतलब जैसे कि हमारा हम क्या है, हम क्या चीज़ चाहते हैं कि लोग हमें किस नज़रिए से देखें, तो वो भी एक्सप्लेन करता है। और कुछ लोग किसी की याद में भी टैटू बनवाते हैं। ज़्यादातर आपके पास किस तरह के कस्टमर आते हैं आपके पास? मेरे पास ज़्यादा यूथ आते हैं। ओके। टैटू बनवाने के लिए किस किस टाइप का रुझान आजकल ज़्यादा है, कि मतलब ज़्यादातर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं भाई, इस टाइप के ज़्यादातर टैटू आप बनाते हो? ट्रेंडिंग में आजकल चल रहे हैं जो या तो जो यूथ है जो जिमिंग को लाइक करते हैं। ओके। वो फुल हैंड कवर करवाने में या फिर कुछ अग्रेसिव टैटू बनवाने में रहते हैं। जो कपल है वो कपल टैटू बनवाते हैं, लविंग टैटू बनवाते हैं। ठीक है। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन क्या भी, मतलब उसकी थॉट्स क्या हैं, उसके विचार क्या हैं। ठीक है। मतलब और इसका कोई दायरा नहीं है मुझे लगता ना, टैटू का आप कहीं तक भी जा सकते। हाँ जी हाँ जी, कोई दायरा नहीं है इसका। और बसराज भाई अगर मान लो एक फ्रेशर बंदा ना, जिसको क्योंकि मेरे जैसा बंदा डरता है कि मेरे को लगता है कि यार मैं अब स्टूडियो में जाऊंगा तो यार बड़ी पेन होगी मुझे, नीडल अंदर गड़ेगी, ऐसे होगा वैसे होगा, तो भाई ब्लड ब्लड तो नहीं आता इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होता, ब्लड हल्का बहुत आता है। ओके। और बाकी सारा ये माइंड का फोबिया होता है कि यार पेन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हल्की सी नीडल सेकंड से थर्ड लेयर तक नीडल जाती है, जो इनको होती है वो सेकंड थर्ड लेयर तक ही रहती है। तो कितने दिन में कवर हो जाता है मतलब? ये हो जाता है कवर, तो टैटू तो एक ही बार में बन जाता है। और जो इसका जो हीलिंग है ये 6-7 दिन तक हो जाती है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है जो फ्रेंकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मान लो कपल है, उनके दिमाग में एक थॉट आती है कि अगर मान लो भाई उनके कोई मतलब फ्रेंड होगी, गर्लफ्रेंड, उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया उसका, लड़की का लिखवा लिया, और उसके बाद वो ब्रेकअप हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं भाई? ऐसे केस मेरे पास बहुत ज्यादा आते हैं। ओके। कि मतलब लड़की ने नाम लिखवाया होता है लड़के का, और नहीं ये सिर्फ एक एग्जांपल है, वैसे बहुत चीजें हो जाती है, उस पर चोट लगी या वो टैटू की इंक खराब हो गई, कुछ भी कई चीजें हो जाती है वैसे तो। देखो टैटू की इंक खराब हुई है तो भाई उसमें तो कोई इलाज नहीं रहेगा, उसको तो सर्जन को दिखाना पड़ेगा किसी ने किसी। ठीक है। और जो बाकी रही बात चोट लगी हुई है तो चोट भी कवर हो जाती है। Okay. और सेकंडली अगर कोई नेम वगैरह कवर करवाना होता है तो वो भी इजीली हो जाता है, कोई टैटू भी कवर हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन रहती है उसके अंदर। Okay. कि टैटू बाहर ना हो या फिर अंदर ना हो, कि कई बार खड्डे बड़े होते हैं स्किन के अंदर। ठीक है ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन नहीं हो पाएगा। हाँ प्लेन, बिल्कुल बिल्कुल स्पॉट। ठीक है। और अगर मान लो टैटू रिमूव करवाना हो तो वो भी पॉसिबल है भाई? तो वो कैसे आप मतलब करते हो वो टैटू रिमूविंग? हम ना टैटू रिमूवर मशीन से करते हैं। ओके। ये जो मशीन है हाँ, इससे मतलब टैटू रिमूव भी हो जाता है। ओके। और स्किन के थोड़े बहुत जो भी होते हैं जो पार्ट्स
खुले होते हैं, जैसे उनको बंद करना हो, स्किन लूज है, स्किन टाइट करना। अच्छा, अगर मान लो पोर्स वगैरह खुले हुए हैं बहुत ज्यादा, जिस तरह के होंगे गड्ढे बढ़ जाते हैं, गड्ढे से बढ़ जाते हैं, तो वो भी सारा सेट हो जाते हैं, वो भी पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। तो ये तो माइंड ब्लोइंग चीज है। मतलब वसराज भाई, के हमारे जो दर्शक हैं उनको आप, अगर वो टैटू बनवाना चाह रहे हैं तो उनको आप कोई सजेशन अपनी तरफ से देना चाहो? मैं अपनी तरफ से तो यही सजेशन दूंगा कि अगर तुम कहीं से भी टैटू बनवा रहे हो तो प्रोफेशनल से ही बनवाना, किसी लोकल आर्टिस्ट से। मतलब कि लोकल का कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इंक बेस्ट यूज करता हो, बेस्ट प्रोडक्ट अनट्रेन, पहले उसका काम देखें फिर उनसे काम करवाएं, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अच्छा बसराज भाई, अगर मान लो हमारे सब्सक्राइबर्स में से कोई आपके पास आता है टैटू बनवाने के लिए, तो क्या हमारे नाम पे कुछ डिस्काउंट मिल सकता है? तो बिल्कुल मिलेगा भाई, आपके नाम पे डिस्काउंट। मतलब मजा आ गया फिर तो। अगर मान लो भाई आप जाओगे मेरे चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर भाई के पास आओगे, भाई का काम देखो, ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा था भाई, हार्ट कह रहा हूँ, और तभी मैं आया था ये ब्लॉग बनाने के लिए। और मैं ये जरूर कहूँगा कि जब भी आपको टैटू का ख्याल है तो आप जरूर यहाँ पे आइएगा। अपना एड्रेस, जो इनका एड्रेस है, वो भाई मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप जरूर नोट डाउन कर सकते हैं, और भाई का नंबर भी डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं भाई के साथ। और अगर हमारा कोई सब्सक्राइबर जाएगा तो भाई डिस्काउंट देंगे आपको, ठीक है? तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके गाइस।